રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને આડે હવે ગણતરીના મહિનાઓ જ બાકી છે ત્યારે દરેક પક્ષના રાષ્ટ્રીય નેતાઓ એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા આજથી બે દિવસ માટે ગુજરાતના પ્રવાસે છે સબસે પહેલે ગુજરાત के सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों सब लोगों जो जो ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं सब लोगों को मेरा नमस्कार। और पिछले कई महीनों से मैं लगातार गुजरात आ रहा हूँ। लोग बहुत दुखी हैं गुजरात के। पिछले 27 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनमें बहुत अहंकार आ गया है, वो सुनते ही नहीं है किसी की। वो कहते हैं कि क्या कर लेंगे लोग हमारा, लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस को वोट देंगे तो हम कांग्रेस के एमएलएस को खरीद लेंगे, हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से जनता के सामने जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रही है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई से कैसे आपको छुटकारा दिलाएंगे, बेरोजगारी से कैसे छुटकारा दिलाएंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे। आज हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देने आए हैं। गारंटी मतलब कि अगर हम काम ना करें तो हमें अगली बार वोट मत देना। आज मेरे को बहुत खुशी है कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर, जहाँ पे दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपनी फ़ोटो देखने के लिए तड़पते हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया जी की फ़ोटो छपी और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। अब मैं आपको स्वास्थ्य की गारंटी के ऊपर आता हूँ। गुजरात के सरकारी अस्पतालों का, सरकारी डिस्पेंसरी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, जानबूझ के ख़त्म किया जा रहा है, और इसलिए ख़त्म किया जा रहा है ताकि आदमी मजबूरी में प्राइवेट स्कूल अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाने के लिए मजबूर हो। और प्राइवेट अस्पताल इतने महंगे हो गए कि अगर एक कोई बड़ी बीमारी किसी के हो जाए तो पूरी जमीन जेवर सब बिक जाते हैं, आदमी कर्जे में आ जाता है। और कई किसान इस वजह से सुइसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास बीमारी का इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते। सो पहली गारंटी स्वास्थ्य में मेरी ये है, गुजरात के हर व्यक्ति, गुजरात में रहने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा और अच्छा होगा। मुफ्त का मतलब ये नहीं कि सरकारी अस्पताल इतने ख़राब होंगे कि आप जाना ना चाहें, तो मुफ्त होगा और अच्छा होगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, अमीरों का भी गरीबों का भी सबका मुफ्त होगा। अमीर प्राइवेट में जाना चाहे उनकी मर्जी है, लेकिन उन किसी से ये नहीं पूछा जाएगा बीपीएल कार्ड दिखाओ। जो सरकारी अस्पताल में जाएगा उसका इलाज मुफ्त होगा। तीसरी चीज, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, हर गाँव के अंदर एक गांव का क्लिनिक खोला जाएगा और शहरों में हर वार्ड के अंदर एक क्लिनिक खोला जाएगा। तो जितनी छोटी मोटी बीमारियां, खांसी जुकाम बुखार, उसके लिए आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आपको बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। एयर कंडीशनड है, सारे के सारे शानदार हैं, वहां पे आप जा सकते हो। चौथी चीज, जितने सरकारी अस्पताल हैं आज गुजरात में, इनको प्राइवेट के मुकाबले अच्छा किया जाएगा, शानदार किया जाएगा, सेंट्रली एयर कंडीशन किया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों को अच्छा करेंगे और नए सरकारी अस्पताल भी खोलने की जरूरत पड़ेगी, वो भी खोलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहते हैं मुफ्त होगा और इलाज हो ही ना, इलाज शानदार होगा, अच्छा होगा। और आखिरी चीज, दिल्ली में हमने एक स्कीम बनाई है, अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है उसका पूरा इलाज हम मुफ्त कराते हैं, चाहे उसका प्राइवेट में कराना पड़े। अगर सीरियस एक्सीडेंट हो जाए और सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता तो बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराते हैं, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। अभी तक पिछले 3 साल में 13,000 लोगों की हम जान बचा चुके हैं स्कीम के तहत, क्योंकि एक्सीडेंट होता है लोग कोई उसको उठा के नहीं ले जाता अस्पताल, उसे लगता है मैं अस्पताल ले गया तो मेरे पल्ले पड़ जाएगा। हमने कहा आप अस्पताल ले जाओ, उसका सारा खर्चा हम देंगे, बस अस्पताल में ले जाकर उसको एडमिट करा दो। तो ये 5 गारंटी आज मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को
विकसित देश बनने के लिए एक बहुत शानदार शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है। बिना शानदार व्यवस्था के, हर बच्चे के लिए शानदार शिक्षा व्यवस्था के बिना भारत विकसित देश नहीं बन सकता, भारत दुनिया में नंबर वन देश नहीं बन सकता। अच्छी शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है, वो चाहे गांव में रहता हो, चाहे कस्बों में रहता हो, शहरों में रहता हो, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है। आप सबके बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज से हम सपना देखना शुरू कर दें कि हम अपने बच्चों के लिए, गुजरात के एक एक बच्चे के लिए, गुजरात में पैदा होने वाले हर एक बच्चे के लिए एक शानदार शिक्षा की व्यवस्था लागू करेंगे। और वो शानदार शिक्षा की व्यवस्था गुजरात के गांव देहात से लेकर शहरों तक हर जगह लागू होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहर के कुछ स्कूलों को अच्छा करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, केजरीवाल जी की शिक्षा गारंटी के रूप में गुजरात के सामने कहना चाहता हूं कि आप सब अरविंद केजरीवाल जी को मौका दें। गुजरात के सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या वो सभी लोग साथ साथ जो चाहते हैं कि गुजरात का आधार मजबूत करने के लिए, गुजरात को विकसित आगे बढ़ाने के लिए हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गुजरात के हर बच्चे के लिए फ्री और शानदार शिक्षा व्यवस्था गुजरात में दी जाएगी। गुजरात के हर सरकारी स्कूल को दिल्ली की तरह से इतना शानदार बनाया जाएगा जैसे कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल होते हैं, जैसे हमने दिल्ली में हर सरकारी स्कूल को उतना शानदार बनाया है। और यहाँ के सभी विद्यालयों में टीचर्स की जो कमी है, वो टीचर्स की कमी तुरंत भर्ती करके दूर की जाएगी। प्राइवेट स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों की दिल्ली में भी केजरीवाल जी की सरकार से पहले ये समस्या थी कि वहाँ फीस बहुत मनमाने तरीके से बढ़ाते हैं, और पेरेंट्स एक बार अपने बच्चों को दाखिला तो करा लेते हैं लेकिन उसके बाद उनके हाथों लुटने पे मजबूर होते हैं। हमने दिल्ली में करके दिखाया है और गुजरात में भी करके दिखाएंगे केजरीवाल जी के नेतृत्व में कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस किसी भी प्राइवेट स्कूल को नाजायज रूप से नहीं बढ़ाने दी जाएगी।